क्या है टॉपिक नेम? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, अब मैंने तुमको सिचुएशन जब कल समझा रहा था बता दिया था, दैट मान लो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, भैया ये क्या सिखा रहे हो? अकाउंट नाम लिखा अकाउंट से, ये भी बता देना। हाँ, तो ए एंड बी पार्टनर है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। ओके, अब सबसे पहले मैं थोड़े तुमको रेशियोज बताऊंगा, ठीक है? रेशियोज। अब मान लो ए एंड बी जो पार्टनर थे वो लोग प्रॉफिट शेयर करते थे, इन 2:3। ओके, ये रेशियो में वो लोग प्रॉफिट शेयर करते थे। ओके, अब सी इज एडमिटेड और सी को कितना शेयर दे रहे पता है? सी इज गिवन और 1/4 शेयर इन बिजनेस। सी को क्या दे रहे हैं? 1/4 शेयर दे रहे बिजनेस में, ठीक है? तो इसमें मैं थोड़े टर्म्स बता रहा हूँ तुमको। देर इज समथिंग नोन एज ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या होगा? द रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स बिफोर एडमिशन, विच इज 2:3। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन एनी नहीं क्वेश्चन नहीं सर? नहीं 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 फिर न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? नए पार्टनर को कितना देने वाले हैं? 1/4 शेयर। ओके, तो अगर किसी ने बोला ना कि नया पार्टनर को क्या शेयर देने वाले हैं, हम बोलेंगे 1/4 शेयर देने वाले, ठीक है? फिर अभी एक होता है, व्हाट इज द न्यू रेशियो? भैया, तो रेशियो 1/4 के हिसाब से निकलेगा ना? हाँ, उसका फॉर्मूला है। व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ये होता है फॉर्मूला, ध्यान से। हाँ, ये अभी नहीं आया तो बाद में तक तड़पोगे। न्यू रेशियो इज वापस ओल्ड समझो एक रेशियो बार। इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनरशिप। अब न्यू रेशियो निकाले हम लोग किसका? पहले ए का निकाले। तो कोई बता सकता है ए का ओल्ड रेशियो क्या था? टू टू अपॉन टू वन अपॉन फाइव क्या? फाइव। फाइव पता है ना रेशियो कैसे होता है? हमेशा जब भी फ्रैक्शन में होता है रेशियो, तब अपन 2+3 कर लेते हैं, समझा? हाँ तो 2/5 इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर क्या? एनीवन न्यू पार्टनर शेयर 1/4 है उसका। 1/5, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2/5 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 4 माइनस 1/4, 2/5 इंटू 3/4, कुछ रिड्यूस नहीं करने का, 6/20, दिस इज द आंसर। सीधा मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20,
समझाइए। बी का भी ले सकते हैं ना, थ्री अपॉन फाइव करके बी। हाँ, उसका बी का भी लेना है। अच्छा, अब बी का ओल्ड रेशो क्या है? थ्री अपॉन फाइव। वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर क्या है? वन अपॉन फोर। इधर सेम थ्री अपॉन फोर आ जाएगा, नाइन अपॉन ट्वेंटी। और सी का कितना है? सी का शेयर ही है वन फोर्थ। भैया न्यू पार्टनर शेयर मतलब क्या होता है? मतलब जो अभी लिखा मैंने वन फोर्थ अभी ऊपर समझाया ना तुमको, न्यू पार्टनर शेयर लिखा है ना। देखो सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर वन फोर्थ शेयर, मतलब 25% शेयर देंगे उसको बिजनेस। तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है क्या कि वन फोर्थ? नहीं नहीं, अलग अलग हर समय अलग हो सकता है, हर समय अलग होता है। मेंशन रहेगा ना? हाँ ऑब्वियसली, ये सब मैं देख दिया ना। ओ अच्छा, ओके ओके ओके। अब सी का क्या शेयर है? वन फोर्थ है। ये सी का न्यू रेशियो तो दिया हुआ है वन फोर्थ। अब इधर देखो, इधर डिनोमिनेटर क्या है? ट्वेंटी ट्वेंटी है राइट। तो अपने को इधर ट्वेंटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू फाइव करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया? फाइव अपॉन ट्वेंटी। तो तीनों का डिनोमिनेटर भी 20 आ गया, तो तुम्हारा न्यू रेशियो क्या हो गया? 6 अपॉन 20, 9 अपॉन 20, 5 अपॉन 20, 20 20 कट, न्यू रेशियो है 6 रेशियो 9 रेशियो 5। भैया वो नीचे 5 कहाँ से आया? 1 इनटू 5 क्या हो? एलसीएम लिया ना मैंने, यहाँ पे 4 था ना, बाकी दोनों का डिनोमिनेटर 20 था। तो मेरे को इधर का भी डिनोमिनेटर, सी का भी डिनोमिनेटर 20 बनाना था। क्या आया? न्यू रेशियो। ये सम में ऐसा कैलकुलेट होता है न्यू रेशियो। आई एम सॉरी, ये सम में भी सॉल्व करके बताना पड़ता है? या करना पड़ेगा। कोई कोई सम बताऊंगा किधर किधर करना रहेगा, ठीक है। तो एक होता है ये न्यू रेशियो बताया, अब एक होता है सैक्रिफाइस रेशियो। भैया दो दो शेयर दो रेशियो है, फिर उसको आपने किया कैसे, रेशियो में कन्वर्ट कैसे किया जब आपने ए और बी के साथ डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर 20 कर दिया मैंने, तो 20 को कट कर दिया। ये 5 रेशियो 20 कहां से आया? इनटू 5 इनटू 5 कर। अच्छा, सी सी का भी लिया, सी का 1/4 था ना, देखो सी का तो 1/4 था। हां, और ये 5 कहां से आया जो इनटू 5 इनटू 5 किया? हाँ, वो दिमाग मैंने लगाया लाने के लिए। हाँ, इक्वल करना था, डिनोमिनेटर इक्वल करना था, फोर था नहीं। अपने को 20 बनाने के लिए इनटू 5 करना पड़ेगा ना। बराबर बराबर। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? और भैया वो ए एंड बी का, हाँ, ये जो डिनोमिनेटर आया ना 20 एंड 20, वो सेम आएगा? हाँ, हर सब वो कैसे आया? मल्टीप्लाई करके। नहीं, हर सब में अगर अलग नहीं आएगा? नहीं नहीं, हर सब में अलग आ सकता है, हर सब में अलग आ। अगर अलग आया तो इक्वल करने के लिए जो भी दो इधर का डिनोमिनेटर रहेगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करने का। ये समझो ए का सॉल्व किया और 20 आया, बी का सॉल्व किया तो 15 आ गया, तो एलसीएम लेना पड़ेगा तेरे को, उन दोनों का एलसीएम 60 होता है। ओके, तो ऐसा अगर होगा, हां अभी तो नहीं होगा, जब आगे आगे घुसेंगे तब। हां, कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, दैट्स द बॉटम लाइन। एंड अपन दो तीन सम सॉल्व करेंगे ना, आ जाएगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट। बट हाँ, तुम लोग का फॉर्मूला यूज करने को आना चाहिए, फॉर्मूला यूज करने नहीं आया तो भूल जाओ, फिर कुछ नहीं आएगा। ये मैथमेटिक्स जो है, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आ जाएगा तुमको, फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए बस। ओके, अब देखो सैक्रिफाइस रेशो के बारे में बताता हूँ। सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है? द रेशो इन विच the old partner sacrifice their profits for the new partner. Sacrifice ratio का formula होता है, formula क्या होता है? Old ratio minus सब इसके लिए अलग अलग ratio है। क्या बोल रहा है? अभी सैक्रिफाइस आया, पहले न्यू रेशियो निकालने के लिए अलग था,
इसका अलग है, हर एक का अलग अलग आएगा। हाँ फॉर्मूला अलग है तीनों का, मतलब सम अलग है, सब कहाँ आएगा? हाँ, हर सम के लिए अलग होएगा ना, ऑब्वियस है, हर सम के लिए अलग होगा। तो अभी यही क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया वो निकालते पहले। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3 चल रहा था ना, तो ए का क्या था? 2 था। तो इट इज 2/5, नॉट 2/3 भाई, 2/5। ओके, माइनस ए का न्यू रेशियो क्या है? 6 है, 6 अपॉन सबका टोटल 20, समझा? अब ये सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? एलसीएम लेके करते हैं ना सब्ट्रैक्ट। तो इसको इनटू 4 किया, इनटू 4, तो आंसर क्या आया? 8/20 माइनस 6/20 विच इज 2/20, समझा? फिर बी का सैक्रिफाइस रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3 था, 3/5 माइनस बी का न्यू रेशियो क्या है? 9/20। वापस एलसीएम कैसे लेंगे? 5 × 4, 3 × 4, आंसर क्या आया? 12/20 माइनस 9/20 इज इक्वल टू 3/20। 20 कट, क्या बचा? 2:3। तो दिस इज द सैक्रिफाइस रेशियो। 20%, 40% और 60% इतना ये लोग ने ये रेशियो में ए और बी ने अपना प्रॉफिट गिव अवे किया, समझा? 2 गिव, कितना रेशियो है भैया? वो दिखेगा 2:3, 2:3 ये अपना सैक्रिफाइस रेशियो है। हाँ ये तो ओल्ड रेशियो जैसा ही है। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला, नेक्स्ट स्टेटमेंट होने वाला है। बात करते रुको, पहले ये समझा तुमको सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब, समझ लो तुम लोग। द रेशियो इन विच ए और बी अपना प्रॉफिट फॉरगो करते हैं फॉर सी, क्योंकि तुम कमा तो उतना पैसा रहे हो, बट ए और बी जो 50-50% शेयर कर रहे थे आपस में, या जो भी परसेंट शेयर कर रहे थे, 60% शेयर कर रहे थे, आज वो लोग थोड़ा कम शेयर कर रहे हैं ना। और कितने से कम कर रहे हैं? ए ने 40% गिव अवे किया और बी ने 60% गिव अवे किया, समझा? सी ने आएगा नहीं, क्योंकि सी ने सैक्रिफाइस थोड़ी किया, उल्टा सी को तो प्रॉफिट मिला ना ए और बी से। ओके, सी तो नया पार्टनर है ना। समझ आता है? देख, जब दो लोग पार्टनरशिप में हैं, तू ही सोचना, पहले तू और तेरा भाई बिजनेस कर रहे थे, अब तेरी बहन भी आ रही है, तो तेरे को प्रॉफिट कम मिलेगा ना, तीन लोगों में बटेगा ना पैसा। हाँ वही ना, ज्यादा लोग पार्टनर बनेंगे, हिस्सा ज्यादा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो तेरे को भी थोड़ा कम पैसा मिलेगा, तेरे भाई को भी, गंगत को भी थोड़ा कम पैसा मिलेगा। दोनों ने जो कम पैसा लिया, मतलब दोनों ने सैक्रिफाइस किया। ओके, जा। हाँ भाई, इधर सी के लिए सैक्रिफाइस किया। हाँ सी के लिए, वाई सी वाज इज द न्यू पार्टनर। तो इधर सी का कुछ नहीं निकलेगा ना? नहीं, सी का सैक्रिफाइस कभी नहीं निकलता, सी का खाली न्यू रेशियो निकलता, और न्यू रेशियो में भी खाली उसका एलसीएम लेना पड़ता है, कोई फॉर्मूला में नहीं डालने का रहता है, क्योंकि सी का ओल्ड रेशियो है ही नहीं ना, सी का डायरेक्टली न्यू पार्टनर शेयर दिया हुआ है। पर इधर न्यू रेशियो में आपने सी का क्यों निकाला और इधर क्यों निकाला? क्योंकि अभी तो अभी नया रेशियो, मतलब क्या, अब कैसे बटेगा प्रॉफिट? अब सी आया तो तीन लोगों में बटेगा ना प्रॉफिट, इसलिए तो तीन नाम है इधर, तीन रेशियो है। न्यू रेशियो का मतलब ही क्या है? रेशियो आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उसमें न्यू पार्टनर को भी देना पड़ेगा ना। समझ आया? हाँ भैया। एवरीवन? हाँ पूछ लो, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, क्योंकि उसके बाद अभी थोड़ा मैं और कुछ बोलने वाला हूँ। समझा? क्वेश्चन क्लियर है भैया? नहीं है डाउट। ठीक है, अब अगर तुमने जो काशिम ने पॉइंट किया कि ये सब में देखोगे ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो एग्जैक्टली सेम आया, सो अभी मैं एक बात बोलूंगा कि हम ये जो फॉर्मूला है the above formula for sacrifice ratio is to be used
only where the new ratio is given in the question. In sums where we calculate the new ratio, वहां पे क्या होता है, द सैक्रिफाइस रेशियो, एस आर बोला तो सैक्रिफाइस रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो ओ आर. सो जैसे अगर तुम देखा ये सम में, ये सम के अंदर न्यू रेशियो किसने निकाला, हमने निकाला नहीं है, न्यू रेशो हमने निकाला ना. हाँ, तो तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशो एंड ओल्ड रेशो क्या आया, सेम आया. बट कोई कोई क्वेश्चंस में है ना न्यू रेशो वो लोग ने दिया होगा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल में लेजर वेजर क्यों सब बता दूंगा. कोई न्यू रेशियो का सम निकालने तो एक सेकंड. देखो ये वाला सम देखो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. देखा सर आवाज नहीं आ रही है. आ रही है. हाँ दिखा, ये वाले में देखो, ये वाले सम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, समझे. तो ये वाले सम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. तो जब ऐसे सम के अंदर, जब सम के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहेगा ना, तब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करके सैक्रिफाइस रेशियो निकालना. और जो सम में, वापस, जो सम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, वो सम्स में सैक्रिफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो. भैया मगर सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो भी होना चाहिए ना, उधर तो सिर्फ न्यू रेशियो दिया हुआ है. नहीं, ओल्ड रेशियो भी था सम के अंदर, मैंने नहीं दिखाया था. अच्छा है. हाँ, बिना ओल्ड रेशियो का सम नहीं होगा. और जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो अपने को पता है ना ओल्ड रेशियो इक्वल है. हाँ बराबर. अच्छा एडमिशन में ऐसे ही होता है, अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है. पूरे पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि अगर कुछ रेशियो नहीं दिया हुआ है तो द पार्टनर्स आर शेयरिंग इक्वली. तो फिर न्यू रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं? हाँ पड़ेगी, सॉरी. बराबर. और न्यू रेशियो तो ऐसे सम्स में दिया हुआ रहता है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर इन द क्वेश्चन the new ratio has been given, then you will solve and calculate the sacrifice ratio. हाँ तो ratio कुछ मतलब 50-50 रहेगा ना? जो भी रहेगा, जो भी रहेगा. And जो भी sums के अंदर new ratio calculate हमें करना है, या new ratio sum के question में नहीं दिया है, तो sacrifice ratio will be equal to the old ratio only. जैसे भक्तोदी किए बगैर ही मैं बोल सकता था दैट माय सैक्रिफाइस रेशियो इज 2 रेशियो 3. सिंपल. तो सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के ही मतलब इक्वल रहेगा. यस, जब न्यू रेशियो मैंने कैलकुलेट किया है, जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है, जैसे दो सम्स मैंने दिखाए तुम्हें, वो टाइम पे वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो यूजिंग द फॉर्मूला. इट विल नॉट बी इक्वल टू द क्वेश्चन में दिया रहेगा तो शायद से अलग हो सकता है रेशियो, ऐसा. यस, डिफर करेगा. यस. एनी क्वेश्चंस एनीवन? नो नो. पक्का? हाँ. ठीक है, अभी एक दो जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, वो तुमको याद रखना है कि बेसिक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं. अभी भी जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, बिजनेस में कैपिटल लेके आता है, तो उसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट.
या कभी कभी वो असेट भी लेके आते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। ओके, ये बेसिक है, इसके बारे में और बात नहीं करनी। तो भैया इसमें लेजर्स भी बनता है क्या? हाँ, लेजर्स ही बनाना सिखाऊंगा मैं, जर्नल एंट्री तो आ जाएगा। अब मैं सिखा रहा हूँ गुडविल की एंट्रीज। अब ये तीन चैप्टर, आगे आने वाले और दो चैप्टर में भी गुडविल का एंट्रीज होगा। ये गुडविल का एंट्रीज लास्ट ईयर भी मैं बच्चों को बोला था चिट बना के बोर्ड एग्जाम में लेके जाना, जिन लोगों को याद नहीं था। ओके, तो विदाउट दीज एंट्रीज सम में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो चलो, अब पूरे सम, पूरे चैप्टर, ये जो चैप्टर है उसमें दो टाइप का गुडविल है, चिट विट। नो नो, एक है गुडविल, हम लोगों को चिट बनाना है। हाँ अबे साले पढ़ तो ले पहले, थोड़ा सार्कास्म देखना भाई, समझने का कोशिश कर। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, या न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल, या गुडविल इज ब्रॉट इन चेक, ऐसा कुछ भी लिखा रहेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा टाइप वन। ओके, इसके अंदर दो सब टाइप्स होते हैं। जीडब्ल्यू गुडविल इज brought in cash and retained in the business. इसका एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री होता है, दो एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। Goodwill account debit to old partner capital. जब वो आया तब सेकंड आवाज कट हो गया तेरा। जब वो आएगा उसे रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, जब नया पार्टनर आएगा तब ऐसा होएगा ना। हाँ, और गुडविल लेके आएगा वो भी कैश में, तो हम ये एंट्री पास करें। अच्छा, कैश में तो ना, हाँ कैश में तो। अभी सीधा सम करेंगे हम लोग, सम नंबर वन। अब सम नंबर वन करने के पहले मैं तुमको दो तीन चीजें बता रहा हूँ जो सम सॉल्व करने के टाइम पे तुम्हें ध्यान रखना है। इक्वेशन और डिवाइड सैक्रिफाइस रेशियो में होएगा। हाँ एवरीवन, आप ध्यान देना प्लीज। अभी देखो, ये जो मैं स्टेप सिखाता हूँ ना तुमको, ये स्टेप्स बोर्ड एग्जाम तक याद रखने का, और ये स्टेप्स याद रह गया ना, सम में 10 में से 6-8 मार्क्स तो किसी को भी मिल जाता है, किसी को भी। फर्स्ट स्टेप होता है कंपलसरी अकाउंट्स, क्या क्या है वो नोट करो। अगर लेजर अकाउंट वाला सम है तो कंपलसरी अकाउंट्स कौन से है? एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। भैया लेजर सॉल्व करने के स्टेप से क्या? हाँ, एक बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश बैंक जो भी है। फिर गुडविल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रीड द क्वेश्चन एंड मार्क डॉट्स। नेक्स्ट होता है पोस्ट द नॉन डॉट आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। Third step, identify the goodwill type. Fourth step,
और द सम पूरा क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्स्ट. उसके बाद क्लोज पार्टनर कैपिटल एंड अदर अकाउंट. लास्ट स्टेप टैली और बैलेंस शीट. नहीं, हर सम में हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे. बिना ये स्टेप्स फॉलो करे सम आगे नहीं बढ़ेगा. तुमको भी मैं जब पूछूंगा कि क्या करना है, अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, तुम इसी के हिसाब से बताओगे थ्रू आउट द ब्लडी ईयर. ओके, पूरे साल में तुम ऐसे ही बताओगे मैं. ओके, ये दो स्टेप्स है, आगे आने वाले दोनों चैप्टर में सेम ही स्टेप्स है, तो तुमको याद हो जाएगा, वो मेरा गारंटी. चलो अभी पहले मैं क्वेश्चन वन कर रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन वन पेज 135. सेवेंथ स्टेप क्या था? अब वो बाद में दिखा दूंगा. चलो अभी पहले सम रीड कर, रीड करे देखो. क्या है द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा वो शेयर प्रॉफिट इक्वली वॉज वॉट एवर. मतलब क्या इक्वली प्रॉफिट शेयर करे तो ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1. बैलेंस शीट दिया है ये बिफोर एडमिशन का है. सुजाता और पूर्णिमा का इतना कैपिटल था, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल थे उनके पास, लैंड बिल्डिंग था, प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक कैश ये सब थे. ओके ओके, अब क्या नेक्स्ट? 1 अप्रैल 2018 को अपर्णा ज्वाइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर. अब ये चीज पढ़ने के बाद गाइस, ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अपर्णा ज्वाइंस द पार्टनरशिप फर्म एज अ थर्ड पार्टनर, ये पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये एडमिशन का समय. समझा? समझा? लिखा रहेगा अपर्णा इज एडमिटेड, अपर्णा ज्वाइंस एज अ थर्ड पार्टनर, ऐसा लिखा रहेगा. ये चीज पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आता है दैट ये एडमिशन का चैप्टर है. भैया क्वेश्चन है, जब भी ज्वाइनिंग लिखा रहेगा तब तब एडमिशन का समझने का. यस यस, एडमिटेड ज्वाइनिंग. हां क्वेश्चन है, एंटर्ड एज अ न्यू पार्टनर जो भी है. साहिल भैया बोल भाई, बोल बोल, सुन रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ इसमें डेट मैटर करता है क्या? वेल नहीं, सच्ची बोलो ना, तुम ऐसा डेट पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं डालोगे तो भी चलेगा. मैं समझा दूंगा क्या मतलब है इसका सम सॉल्व करने के बाद. काफी चीजें मैं सम सॉल्व करने के बाद समझाऊंगा. ठीक है, अभी अभी तक किसी और को कुछ पूछना है? आगे बढ़ू मैं? भैया इसके अंदर वैसा डेप्रिसिएशन जैसा नहीं रहेगा ना कि ये यहाँ पर ज्वाइन किया फिर इसके आगे का निकालना है वो सब. समझा नहीं, जोर से बोल. इसके अंदर डेप्रिसिएशन की तरह नहीं रहेगा ना वो डेट पे जिस दिन पे ज्वाइन किया फिर उसके आगे का वैसे कंटिन्यू करना है. हो सकता है, हो सकता है, देयर इज नो, बट यहाँ के एडजस्टमेंट तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट से काफी इजी होते हैं. ये सब तो नल्ला है, नल्ला, सच्ची बोल रहा हूँ. गुडविल का एंट्रीज तुम्हें याद रखना है, बाकी चैप्टर इज वेरी कूल, बहुत इजी. तो थर्ड पार्टनर आया 1/5 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट. ओके, गुडविल, गुडविल इज वैल्यूड एज 2 लाख, मतलब उसका गुडविल है 2 लाख. ये गुडविल इज वैल्यूड एज एट 2 लाख, मतलब ये पूरे फर्म का गुडविल है 2 लाख. और वो अपना शेयर, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आएगी. ठीक है, अपर्णा इज टू ब्रिंग. अभी सबसे पहला एक चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, That, क्या लिखा ये, अपर्णा विल ब्रिंग हर गुडविल इन कैश. ये दिखा सबको, गुडविल विल बी ब्रॉट इन कैश. सबको इंग्लिश रीड करने को आया ये चीज का? ये कौन सा टाइप हो गया? ये हो गया टाइप 1. समझा? 1 का फर्स्ट टाइप, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश. समझा सबको? गुडविल इज ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश है ना, वही मतलब. हाँ समझा. फिर अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख कैश कैपिटल. ओके, अब देखो हम लोग अभी रीड कर रहे हैं. प्रोविजन ऑफ 10% ऑन सन्डरी डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, स्टॉक्स प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाय 20%. ओके, अब देखो मैंने पहला चीज क्या बोला था, क्वेश्चन रीड करने का. उसके बाद मैंने बोला था डॉट मार्क करने का. क्या करने का? डॉट मार्क करने का. अब किस चीज पे डॉट मार्क करने का रहता है? सुनो अच्छे से, डॉट किस पे मार्क करने का होता है? वो सारे असेट्स या लाइबिलिटीज पे जिसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में भी मेंशन हो.
समझा? तो देखो डेटर, डेटर के बारे में जो एक असेट है ऊपर, उसके बारे में एडजस्टमेंट में मेंशन है कि नहीं है? है ना मेंशन? तो डेटर पे डॉट। समझने का नहीं क्या है? मैंने बोला समझने का नहीं, समझने का सिर्फ डॉट मारने को सिखाया मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर है, डॉट मारने का। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी है ऊपर, हाँ है, डॉट मारने का। जिस जिसमें एडजस्टमेंट है उसको डॉट मारो। हाँ अभी तक समझाया क्या है इसका मतलब? नहीं समझाया, समझने का भी नहीं है तुमको। क्या बोला मैंने क्वेश्चन रीड करते करते एडजस्टमेंट में ही जब तुमने देख लिया कि ऊपर के दिए गए असेट या लाइबिलिटी का मेंशन नीचे एडजस्टमेंट पे है तो उस पर तुम मारोगे डॉट बस, और अपना दिमाग वापरोगे नहीं। एनी वन एनी क्वेश्चन स्टिल यस? नहीं समझा। नो जिन्होंने क्या बोला ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड गिव द बैलेंस शीट, मैं जर्नल एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ, मैं लेजर अकाउंट सिखा रहा हूँ, जर्नल एंट्री बाद में करेंगे। ओके क्या क्या अकाउंट बनता है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, कैश बैंक, गुडविल, बैलेंस शीट। तो अच्छे से बनाते देखो अभी, साइज देखो किसको कितना। हाँ तो साइज देखो, साइज रिवैल्यूएशन इतना बड़ा नहीं बनाने का, छोटा ही बनाने का। पार्टनर कैपिटल भी, तो हमेशा तुम्हारा पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन और कैश बैंक तीनों चीज एक पेज पे फिट होना ही चाहिए हर सम में। भैया मतलब जैसे डिसोल्यूशन के अंदर एक ही पेज पे आता था वैसे ही? हाँ जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही फिटिंग होना चाहिए, कोई कम ज्यादा एरिया नहीं लेगा एडजस्ट करने का, और हमेशा बड़ा साइज का नोटबुक लेने का कि फिट हो जाए। बाद में तुम लोग साला रोते हो कि जगह नहीं है, अब बच्चे जैसा आ जाते फिट नहीं हो रहा, फिट नहीं हो रहा। बट हर कोई जिसने छोटा बुक खरीदा है प्लीज जाके वो पारस वाले के मुँह पे मारो और बड़ा बुक लेके आना, पहले भी बोला था मैंने ये। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर का नाम लिखो। ओल्ड पार्टनर कौन है? सुजाता, पूर्णिमा, ये लोग ओल्ड पार्टनर है। नया पार्टनर कौन है? अपर्णा। सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा, यहाँ पे कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट? गुडविल अकाउंट। लास्ट कौन सा अकाउंट? अकाउंट नहीं है सॉरी, बैलेंस शीट। ओके यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं 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 है ना क्वेश्चन? ठीक, अब मैंने क्या सिखाया स्टेप्स देखो, रीड कर दिया, हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था? डॉट मार दिया, हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? पोस्ट द नॉन डॉट आइटम्स इन द बैलेंस शीट एंड द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब नॉन डॉट आइटम क्या है देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज है जिसके ऊपर डॉट नहीं है दिख रहा है भाई? ऊपर से नीचे देखो भाई, क्या क्या दिख रहा है जिस पर डॉट नहीं है? एसेट में तो फर्नीचर और कैश पे नहीं है। फर्नीचर और कैश पे नहीं है राइट? तो फर्नीचर किधर जाएगा? असेट में जाएगा, जैसा था वैसे का वैसा। कैश, कैश किधर जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। समझा? और कोई है चीज जिसपे डॉट नहीं है? एनीवन? लायबिलिटीज में कैपिटल और वो बाकी कैपिटल क्रेडिट बिल्स पे भी नहीं है। अब कैपिटल के लिए तो अकाउंट बनाया मैंने पार्टनर कैपिटल, तो उसमें चला जाएगा। सेम लाइक डिसोल्यूशन इफ यू आर रियलाइज। ओके एंड क्रेडिटर और बिल्स पे भी किधर चला जाएगा? लायबिलिटीज ऊपर लेंगे चले नहीं छोड़ देने का क्या, क्योंकि यहाँ पे अपन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ना। अच्छा एनी क्वेश्चंस एनीवन? नो नहीं। एवरीवन देखो अभी ये वाला चिंदी पार्ट, ये वाला कसम से बोल रहा हूँ, इसी समय ये नहीं समझा आगे बहुत स्ट्रेस आएगा।
ठीक है, वो भी ऑनलाइन लेक्चर है, बार बार देखना पड़ेगा तुमको लेक्चर. एनी वन एनी क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्या बोला है, ये हो गया ना, ये हो गया नॉन डॉट आइटम्स हो गया है. अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व द सम एडजस्टमेंट. देखो ठीक है, क्या दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म. ये गुडविल इज वैल्यूड कितना, 2 लाख का गुडविल है पूरे फर्म का. अपर्णा कितना लेके आएगी, शी इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो तुम सोचो पूरे फर्म का गुडविल है, दो लाख, तो अपर्णा का शेयर क्या होगा, 1/5. अपर्णा का शेयर क्या है, न्यू पार्टनर शेयर क्या है, ये सब में कोई बता सकता है? निकाला नहीं अपन ने अभी तक, खाली 1/5 है उधर लिखा हुआ. हाँ तो वही तो होता है न्यू फिफ्थ, वही तो होता है न्यू पार्टनर शेयर. देखो ना, जब डिस्कस करा रहा था मैं क्या पूछा था, ए बी इज द पार्टनर, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. मेरा जब क्वेश्चन पूछा था मैंने न्यू पार्टनर शेयर क्या है, सबने क्या बोला था, 1/4. इधर 1/5 है. हाँ इधर 1/5 है. जो तू बोल रहा है ना वो निकालना रहता है, वो क्या होता है, वो न्यू रेशियो होता है. मैंने पूछा क्या, अच्छे से सुनो, मैंने पूछा न्यू पार्टनर शेयर क्या है, समझ रहा है सबको? तो न्यू पार्टनर शेयर इज 1/5. तो 2 लाख में से अपर्णा का शेयर क्या गुडविल में, 2 लाख × 1/5 40,000. Does anyone have any questions? No. No. कुछ पूछना है किसी को, आगे बढ़ू मैं? भैया आपकी आवाज वापस फट रही है. क्या पहले आवाज एकदम वो हो रहा था, अभी आ रहा है ना? हाँ अभी आ रही. तो गुडविल शेयर कितना, 40,000. अब क्या बोला उसने, शी विल ब्रिंग गुडविल इन कैश. तो मैं चला गया जर्नल एंट्री का चेक पे. क्या एंट्री देखो भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. तो एंट्री किधर जाएगा, कैश के डेबिट में. क्या लिखेंगे, अगर गुडविल कैश के फॉर्म में आता है तो कैश डेबिट और गुडविल क्रेडिट होगा. यस, तो लिखो कैश डेबिट. तो गुडविल और कौन से फॉर्म में आ सकता है, बैंक बैलेंस ऐसा कुछ? यस, चेक के फॉर्म में, बस दो ही फॉर्म. यहाँ तक ये पहला एंट्री का पोस्टिंग समझा सबको? हाँ एवरीवन. कितने पार्टिसिपेंट्स है आज? समझा समझा. 15 पार्टिसिपेंट्स. सबको समझ रहा है? समझा भैया. खाली गंदे जैसे बैठे हो. समझा ठीक है. फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी कैपिटल इन द सैक्रिफाइस रेशियो. नाउ इन दिस सम कैन एनीवन हेल्प मी टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो आईडिया है क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया इसका पार्टनर का. हाँ वही, जब न्यू रेशियो नहीं होता है तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, निकालना पड़ता है. ओल्ड रेशियो का कुछ निकालना पड़ता है. ओल्ड रेशियो ही होता है सैक्रिफाइस रेशियो, समझा? ओल्ड रेशियो ही होता है सैक्रिफाइस रेशियो. हाँ तो ओल्ड रेशियो तो दिया ही नहीं है. Equally, तो 1:1 वही हो गया हमारा sacrifice ratio. तो वापस लिखता हूँ, sales new ratio is not given in the sum. The old ratio, क्या है old ratio भाई, 1:1 is the sacrifice ratio. तो एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट का, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल. ओल्ड पार्टनर कौन है, सुजाता कैपिटल और पूर्णिमा कैपिटल, ये ओल्ड पार्टनर है ना भाई. क्या है सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 1:1. वो तो आधा आधा बांट दो, 40,000 को आधा आधा कर दो 20,000, और यहाँ पे क्रेडिट में बाय गुडविल.
ये पूरा गुडविल का एंट्री का पोस्टिंग हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें प्लीज पूछो। भैया समझो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या रेशियो है, तो फिर भी अपन इक्वली होता ना भाई, इक्वली होता रेशियो लिया नहीं होता तो ओल्ड रेशियो तो वन रेशियो वन ही होता। ओके तो वापस बता रहा हूँ गुडविल का एंट्रीज क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश के डेबिट में लिखा टू गुडविल, गुडविल के क्रेडिट में लिखा बाय कैश, फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या था, ये प्लस है, दोनों एंट्री साथ में करने का, ऐसा एक मत करना। नेक्स्ट क्या, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये ए और बी कौन है, ओल्ड पार्टनर है ना, ठीक है, इन द सैक्रिफाइस रेशियो। तो गुडविल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर कौन था, ये सब में सुजाता एंड पूर्णिमा, तो गुडविल के डेबिट में सुजाता एंड पूर्णिमा, सुजाता एंड पूर्णिमा के क्रेडिट में गुडविल, क्या रेशो है, वन रेशो वन इज ओनली द सैक्रिफाइस रेशो भाई, बिकॉज़ सिंस न्यू रेशो इज नॉट गिवन देन ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइस रेशो। अच्छा तो जो गुडविल का अमाउंट होगा वही रेशियो में डिवाइड हो जाएगा दोनों पार्टनर, ये कोई भी अमाउंट हो या कोई भी रेशियो, वही कोई भी रेशियो रेशियो में डिवाइड ही करना है ना ऑब्वियसली। तो फिर इधर गुडविल क्लोज हो जाएगा ना कि कुछ और भी, क्लोज हो गया ना, टैली हो गया ना, हाँ वही पूछ रहा हूँ, तो खत्म फिर गुडविल वाला पार्ट खत्म। एनी क्वेश्चन एनीवन? हाँ या कांची, यासिन, उमंग, तेजस, मैं समझ आ रहा है कि बस बैठ गए इधर, समझ गए, ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 lakh एज कैपिटल, इसका एंट्री भी पता है मैंने, क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल, कैश डेबिट और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, समझा सबको भैया, वापस बोलो कैश अकाउंट डेबिट और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, रेजोल्यूशन में भी ऐसा ही था, पैसा लेके आया पार्टनर, कैश का डेबिट पार्टनर का क्रेडिट। अच्छा अपर्णा ने 1 lakh का कैपिटल लेके आई वो, हाँ समझा सबको, दिस अमाउंट एक्सक्लूड्स गुडविल का अमाउंट ना, ओके चलो अब अभी है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का बात करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, क्या बोल रहे हैं ये लोग, प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स, डेटर पे 10% प्रोविजन, मतलब आरडीडी क्रिएट, अब तुम बताओ ये सुन के तुमको खुशी होता है कि दुख होता है, क्या क्या ये सुन के ये पढ़ के दैट 10% प्रोविजन क्रिएट करना है, तुमको खुशी होता है कि दुख होता है? भैया आरडीडी तो बेसिकली बैड डेट्स के लिए बनता है, बैड डेट्स दुख होता है ना, रिकवर दुख होता है ना, दुखी होता है भैया, डी फॉर दुख, डी फॉर डेबिट, डेबिट में एंट्री करेंगे, सिंपल समझा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज होगा किसके लिए यूज होता है, और अगर सुख होता तो क्रेडिट खत्म, सुख फॉर एस सी फॉर क्रेडिट, ये सारी डॉट एंट्री, क्या बच्चोदी है, एस फॉर साइज, डॉट एंट्री, ओ हो भाई 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 भाई, सी फॉर दुख, मैं बोला डेबिट दुख याद रहेगा ना जिंदगी में, हाँ याद रहेगा, याद रहेगा भाई, और रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली रिकॉर्ड्स, द अमाउंट डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ दुख एंड सुख, ओके सिंपल, देखो अभी मैं बोल रहा हूं 10% ऑफ प्रोविजन ऑन डेटर, डेटर कितना है 26,000, तो कितने का दुख हुआ कोई बता सकता है, 2,600, इजी ना, 10% ऑफ 2,600 राइट, अब दुख हुआ तो डेबिट साइड पे लिखा
क्या लिखेंगे, 2RDD राइट, प्रोविजन होता है ना, कितने का दुख हुआ अपने को, 10% और 26,000 2600 और सीधा तुरंत असेट साइड पे डेटर्स 26,000 का था, उसमें से लेस कर दो ना, अभी वैल्यू गया ना डेटर का, प्रोविजन हो गया ना। तो जब आरडीडी डेटर्स पे निकालेंगे तो एक ट्रांजैक्शन जाएगा उधर अपना, किधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि दुख हुआ, और दूसरा ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट हमेशा। अच्छा, बैलेंस शीट में, ओके। तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट रहेगा रिलेटेड टू डेटर्स, तो हमेशा रिलेटेड टू डॉट आइटम्स, रिलेटेड टू डॉट आइटम्स, डॉट आइटम्स, ओके। एनी क्वेश्चंस एनीवन टिल नाउ, किसी को कुछ पूछना है? डॉट आइटम्स का हमेशा डेबिट में जाएगा, इसमें जाएगा और एक बैलेंस में जाएगा। हां और हमेशा डेबिट में रहेगा, नहीं किधर भी हो सकता है, खुशी दुखी के हिसाब से, दुख या सुख पे डिपेंड करता है। यस, अभी नेक्स्ट वाला देखो ना, नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग बोल रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000, कोई बता सकता है? ये खुशी का बात है कि दुखी का बात है? खुशी का बात है, खुशी का बात है। हाँ, और कितने का खुशी हुआ? 10,000 रुपए का, 20,000, 20,000 रुपए। अबे 10, एक में 70 का है ना? नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 60 है ना? अच्छा, ओके, सॉरी, 20,000 बराबर। आपको समझ आया ये? हाँ, खुशी हुआ ना, और कितने का खुशी हुआ? 20,000, तो क्रेडिट में लिख दिया, देखो। वाह, क्या तरीका है बनाने का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा इसका भी अगर सुख हुआ तो भी बैलेंस शीट के क्रेडिट, मतलब ऐसे जाएगा। हां सॉरी, एसेट है ना वो, ऐड अप्रिसिएशन, सुख हुआ ना, हां वैल्यू बढ़ गया ना, बोला ना 80,000 कर दो वैल्यू, कर दिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट अप्रिसिएशन होता है। यस, Any questions, anyone? Yeah. Next बताओ, stock is reduced by 20%. खुशी का बात है कि दुखी का बात है? दुखी का बात है। किधर आएगा? Debit. Debit revaluation. कितना amount आएगा? कितना amount? 20% निकालने का stocks का और उसका plant का। हाँ, समझा? Stock कितना? 40,000 का 20%. ये डेप्रिसिएशन टाइप ऑफ हुआ ना? यस, 8,000, और उसको तुरंत प्रॉफिट बैलेंस शीट। अरे भाई, किसी को कुछ पूछना है क्या? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। इतना अच्छे से समझाओगे तो थोड़ी डाउट आएगा। डिफॉल्ट दुख, सॉरी, हां हां, डिफॉल्ट दुख भी, वापस प्लांट एंड मशीनरी भी 20% of 70. 14,000. कितने अमाउंट का दुख हुआ वो लिखने का रहता है अपने को। प्लांट एंड मशीनरी पे 20% क्यों निकाला? बोला है ना, देख। अच्छा, ओके, देखा नहीं मैंने। ओके, ये रिवैल्यूएशन में दो कॉलम नहीं बनता क्या रुपीस का? नहीं नहीं एक में ही हो जाता है डिस्काउंट भैया। मतलब ये इसके अंदर जो रहता है, जो अपने वो बैलेंस शीट में क्या हुआ है, क्या क्या जो बैलेंस शीट में वो प्लांट एंड मशीनरी वो सब दिया हुआ है, हाँ, वो अपने को रिवैल्यूएशन के अंदर, हाँ, रिवैल्यू क्यों कर रहे हम लोग? क्योंकि उसका नया वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यूएशन अकाउंट में उसका रिवैल्यू होता है, जैसे रियलाइज, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में रियलाइजेशन का, मतलब फर्म का पैसा जा रहा है आ रहा है वो सब इंक्लूड होता है। पर यहां पे सिर्फ डिफरेंशियल है, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में यही फर्क है। और रिवैल्यूएशन, नाम ही देखो ना, रिवैल्यूएशन मतलब पैसा और लायबिलिटी, जब रिवैल्यू होता है, नया वैल्यू आता है उसका, तो रिवैल्यूएशन में डालते हैं। और रिवैल्यूएशन तो हर साल बनता होगा ना? क्या हर साल नॉर्मली रिवैल्यूएशन बनता होगा ना? नहीं नहीं, अब इसका यूज क्या, मैं तुमको क्या बोला था, थोड़ी बातें मैं सम के एंड में समझाऊंगा, पहले सम कर लेंगे फिर मैं बताऊंगा ये क्या हुआ। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? हो गया, सम हो गया, ये तुम्हारा खाली अकाउंट क्लोज कर। तो देखो कितना आया, डेबिट साइड बढ़ा है इसमें, कितना 4,600 का बैलेंस है, 24
है तो कौन बेयर करेगा? सुजाता और पूर्णिमा, ओल्ड पार्टनर्स। क्या रेशियो में? इन द ओल्ड रेशियो, 1:1। तो वही है, न्यू पार्टनर लॉस बेयर नहीं करेगा? नहीं, बताऊंगा बताऊंगा क्यों। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी बेयर नहीं करेगा, वो भी बताऊं। तो ये जो क्रेडिट साइड में आया बैलेंस अमाउंट, डेबिट से, तो वो डेबिट साइड में जाएगा पार्टनर्स के, जैसे डिसोल्यूशन में होता था, जैसे डिसोल्यूशन होता। और क्रेडिट में बैलेंस अमाउंट है, इसका मतलब लॉस हुआ है ना? हाँ, लॉस हुआ। ओके, अब पार्टनर कैपिटल को टैली कर दो। अपर्णा का 1,00,000, 1,00,000 बैलेंस फिगर इधर आया, क्या लिखेंगे अपन? बैलेंस करेंट डाउन। तो पूर्णिमा का टैली कर दो, बैलेंस फिगर इधर आया। फिर सुजाता का टैली कर दो, बड़ा अमाउंट दोनों साइड पे। ये तीनों बैलेंस फिगर लाइबिलिटी में, सुजाता कैपिटल। भैया इसमें भी ऐसा हो सकता है ना कि समझो एक पार्टनर का डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, नहीं होता? तीनों का एक साथ ही होता है, मतलब या तो डेबिट तीनों का या तो क्रेडिट तीनों का। डेबिट ही होगा। अच्छा, डेबिट ही होता है इसमें, वहां पर ओके। क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब अमाउंट में रॉन्ग कर दिया हमने। फिर कैश को टैली करो, कितना हो गया? 2,20,000। ठीक है, गुडविल तो ऑटोमेटिकली 40-40 है, तो भूल जाओ उसको, सेम हो गया ना, कुछ काम का नहीं है। अब ये बैलेंस शीट का टोटल करो, मैच हो जाएगा 435,400। एनी क्वेश्चंस एनीवन? कैश का बैलेंस फिगर असेट्स में जाता है? यस, क्योंकि कैश अपना असेट होता है। अच्छा, ओके। एनीवन एनी क्वेश्चंस? भैया फॉर एग्जांपल समझो कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहता और हमको न्यू रेशियो निकालना है, तो कैसे करते हम लोग? वो फॉर्मूला लेके, वो ठीक है, वो मैं सम के साथ समझा दूंगा, डोंट वरी। हाँ वही वही ठीक है, अभी के लिए सम, ये नॉर्मली एक ये सबसे एकदम बेसिक सम। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? 15 पार्टिसिपेंट्स सारे के सारों को समझा? हाँ समझा। पक्का? हाँ। आप बेसिकली भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपकी आवाज वापस गई। हाँ हाँ आया अभी आया ना। तो मैंने डेट्स के बारे में भी नहीं बताया और मैंने रिवैल्यूएशन भी नहीं बताया। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है, साल का आखिरी दिन था, ये लाइबिलिटीज थे अगले दिन, वो दिन पे क्या हुआ? अपर्णा ज्वाइन हुई। ओके, अब तुम देखो ये सारे चेंजेस है ना पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये सारे चेंजेस हुए थे इन द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब तुम बताओ क्या मैं लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज वैल्यू अपर्णा को दूंगा क्या? तुम ही सोचो, दूंगा क्या अपर्णा को? नहीं दूंगा ना। या स्टॉक एंड मशीनरी का कोई भी वैल्यू है कम हुआ है, तो क्या अपर्णा इसका नुकसान बेयर करेगी? नहीं करेगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अनोक बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, ये पूरा बैलेंस शीट हमने क्या कर दिया? रिवैल्यू कर दिया। क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया बाय यूजिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने क्या कर दिया? पूरा बैलेंस शीट आइटम्स को रिवैल्यू कर दिया। ये सारी की सारी अनरिकॉर्डेड चीजें थी, देखो ना, प्रोविजन करने का था डेटर्स पे भैया। अब
ओल्ड बैलेंस शीट 31 मार्च को दिया और पार्टनर 1 अप्रैल 2018 नहीं थी रिकॉर्डेड। देखो ना, मैं अगर बोल रहा हूँ लैंडन बिल्डिंग 80,000 पे होना चाहिए, 80 पे था क्या? तो 60 पे था। मैं बोल रहा हूँ डेटर पे 2,600 का प्रोविजन होना चाहिए, था क्या प्रोविजन? नहीं था ना। प्रोविजन ये सब ये नीचे की चीजें, रिकॉर्डेड नहीं थी बैलेंस शीट। सब वैसे भी अकाउंट्स क्लोज करते वक्त तो रिवैल्यू होनी वाली थी, और होनी भी चाहिए थी। और ये इसका जो फायदा या नुकसान था वो खाली ओल्ड पार्टनर्स को मिल रहा था। तुम देखो ना, ये इस पे अपना क्यों देगी नुकसान? वो तो बोलेगी अरे ये तो 31 मार्च का ट्रांजैक्शन है, ये तो 1 अप्रैल को आई हूं, तो मेरे से क्यों ले रहा नुकसान? 1 अप्रैल को सिर्फ नया पार्टनर आया बस, बाकी ये जो ऊपर के पुराने लॉसेस या प्रॉफिट जो भी है, लॉस है तो वो बेयर करेगा ओल्ड पार्टनर, है ना भैया? आपका आवाज बंद हो गया। सॉरी, समझ आया सबको? तो इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो असेट और लायबिलिटी का फर्क है, ठीक है, जो लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो नए मतलब जो एडजस्टमेंट है, ये क्या 1 अप्रैल के एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, ये 1 अप्रैल के पहले के एडजस्टमेंट है। अच्छा, उसके पहले के एडजस्टमेंट है। बेसिकली 31 मार्च को जो बैलेंस शीट है उसमें अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट को तो रिकॉर्ड करना पड़ता है। अच्छा, तो 1 अप्रैल का सिर्फ अलग से ये चेंज है कि एक पार्टनर आया नया? हां, रिवाइज फिगर्स चाहिए थे अपने को, अप टू फिगर चाहिए थे, और अपर्ना टू जॉइन द बिजनेस। तो ये है अप टू डेट फिगर, ये है असेट्स एंड लायबिलिटी। ऑब्वियसली बात है, अपर्ना जॉइन कर रही तो अकाउंट्स तो मांगेगी ना, कि रिवाइज अकाउंट्स तो मांगेगी ना वो, लेकिन रिवाइज बिजनेस का स्टैट्स देखने के लिए। ये जो बैलेंस शीट है ये आफ्टर एडमिशन होता है। ओके, मतलब बेसिकली ये लेजर था क्या? नहीं, लेजर था ये। ओके ठीक है, समझ गया मैं। एवरीवन समझा? तो अभी तुम लोग को ये सम सॉल्व करने का है, मैं सम का फोटो भेज रहा हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, सम सॉल्व करते करते डाउट भाई जरा कल एक और सम कराना। अभी भेज, अभी लेक्चर है। हाँ, अभी अनिल मेरा लेक्चर है, मेरा भी लेक्चर है अभी। हाँ, जल्दी हो जाएगा, चलो लेक्चर का भैया, सर लेक्चर में लॉग इन करके ये सम सॉल्व करना, डाउट रहेगा मैं तो व्हाट्सएप करना। कौन सा तुम लोग लेक्चर में कौन सा करोना का ध्यान देते हो? अरे भैया, मार्केटिंग तो बैठो ना, आंसर्स मिलेंगे तो आपको बोल रहा हूँ, आप मेरा लेक्चर ले। हाँ चुप बैठो, नहीं चाहिए अकाउंट्स का लेक्चर, इधर बैठो बस हो गया। अकाउंट्स भाई कॉलेज का पड़ेगा ना, तो साहिल का भूल जाएगा, तो सच्ची बोल रहा तुझे, मैं ये सम भेज रहा हूँ सॉल्व करके, अभी भेजो मेरे को। 15 लोग है, 15 सम चाहिए मेरे को। मजाक कर रहे हो?